Hello, hello, my YouTube loves. Welcome back to my channel. And if you are new here, then welcome to my channel. Thank you so much for showing all your support. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू ड्रेप अ साड़ी, स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर एंड अगर आपके पास सेफ्टी पिन्स की कमी हो. ये मेथड से आप साड़ी पहनना सीखोगे और मैं एग्जैक्टली वो आपको पॉइंट्स बताऊंगी जहाँ पे अगर आप सेफ्टी पिन लगाओ तो आपकी साड़ी नहीं खुलेगी, बिकॉज दैट इज द मेन कंसर्न जब भी साड़ी पहनते हैं कि मेरी साड़ी खुल ना जाए. तो मैं आज आपको बताऊंगी कि वो कैसे ना हो. हर साड़ी का मटेरियल अलग होता है तो उसे पहनने का जो तरीका वो चाहे सिमिलर हो लेकिन वो डिफिकल्ट टू इजी डिपेंड करता है. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिल्क की साड़ी, तो मैं सिल्क की साड़ी पहनकर आपको बताऊंगी कि उस पर आप कैसे अच्छे से ड्रेप कर सकते हो. आजकल पेटीकोट की जगह, जिसे हम स्कर्ट भी कहते हैं, साड़ी के नीचे जो पहनी जाती है, उसकी जगह जीन्स पहनते हैं और काफी अलग ऑप्शंस हैं. तो आप जो भी बॉटम में पहन रहे हो वो पहनकर, ब्लाउज पहनकर, एंड आई वुड सजेस्ट अपना सारा मेकअप करके आप रेडी हो जाइए. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप सबसे ज्यादा भूल जाते हो, कि जो बहुत कॉमन है भूल जाना, वो ये है कि आपको अपने शूज पहनने चाहिए, स्पेशली अगर आप हील्स पहन रहे हो. अगर आप हील्स पहनते हो तो हील्स पहनने के बाद आप साड़ी ड्रेप करना शुरू करना, वरना आपकी साड़ी काफी ऊंची हो जाएगी अगर आप पहले साड़ी पहनोगे और बाद में हील्स. ये जान लें कि ये जो वीडियो है वो मैं कैमरा में देख कर बना रही हूँ, तो ये मेरा लेफ्ट साइड है और ये मेरा राइट साइड है, तो आप उस हिसाब से करना. चलो बिना ज्यादा वेट किए आप साड़ी पहनना शुरू करते हैं. साड़ी जो अंदर डालना हम शुरू करते हैं, इनसाइड टक करना जिसे कहते हैं, वो राइट साइड से शुरू होती है. डिपेंडिंग ऑन आपकी साड़ी कितनी लंबी है, आप वो एडजस्ट कर सकते हो. एकदम कॉर्नर ऑफ योर राइट साइड से शुरू करके आप पूरा पीछे की तरफ जा सकते हो, या बीच में से शुरू करके आप पीछे की तरफ जा सकते हो. वो आपकी चॉइस है, आपकी साड़ी कितनी लंबी है उसके ऊपर डिपेंड करता है. जब आप साड़ी को लेफ्ट साइड से टक करना शुरू करेंगे, मेक श्योर करें कि वो नीचे फ्लोर लेंथ पे उसे टच कर रहे हो. जितना आपको लगता है आप कंफर्टेबल हैं साड़ी को नीचे फ्लोर पे टच करते हो, या थोड़ी ऊंची साड़ी रखनी है तो उस हिसाब से आप अंदर टक करें. टक करते करते पीछे से पूरा घुमा के आगे की तरफ ले आए, या खुद घूम जाए और घूमते हुए उसे टक करें. पीछे से मेनली होता है इम्पॉर्टेंट, वो ऊंची रह जाती है थोड़ी, तो धीरे धीरे आराम आराम से करें, स्पेशली अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है. धीरे धीरे उसे टक करते हुए आगे की तरफ आ जाए. अब आप देख रहे हैं इतना बड़ा वो साड़ी का पल्लू तक मटेरियल बाकी है. अब सबसे पहले आप साड़ी बांधना बंद कर दें. हम सबसे पहले आप पल्लू तैयार करेंगे आगे बढ़ने से पहले. पल्लू तैयार करने के लिए उसकी प्लीट्स बनाना शुरू करें. मैं कैजुअली प्लीट्स बनाती हूँ, कोई कोई लोग बहुत अच्छे तरीके से प्लीट्स बना के पिन लगा के उसे सेट कर देते हैं. याद है लेकिन मैंने कहा था अगर आपके पास सेफ्टी पिन्स नहीं है या बहुत कम है तो ये वो तरीका है कि आप उसकी कैजुअली प्लीट्स बना लें. डिपेंड करता है आपको थिक पल्लू पसंद है या थिन पसंद है. द रीज़न मैंने कैजुअली इसमें बनाई है वो इसलिए है क्योंकि मैं अपना पल्लू ओपन रखने वाली हूँ, तो इट डजंट मैटर कि मेरी प्लीट्स कैसी बनती है, वो प्लीट्स में नहीं रहने वाला. तो मैंने अभी के लिए प्लीट्स बना ली हैं उसका मेजरमेंट चेक करने के लिए, लेंथ चेक करने के लिए. प्लीट्स बनाने के बाद आप उसको डायरेक्टली शोल्डर पे मत डालें, और जो आपके राइट हैंड में पल्लू है उससे अपने लेफ्ट हैंड के नीचे से घुमाते हुए, पीछे से लाते हुए, फिर अपने लेफ्ट शोल्डर पे डाल दें. उसे शोल्डर पे डालने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका पल्लू कितना लंबा या छोटा हो रहा है. उस हिसाब से आप पल्लू को एडजस्ट कर लें पीछे से. मुझे थोड़ा लंबा पल्लू पसंद है, आई एम कंफर्टेबल विद इट. आप अपने कंफर्ट के हिसाब से छोटा भी रख सकते हैं. चाहे अगर आपके पास पिन्स हैं तो यहाँ लगा लें, नहीं है तो रुक जाए, मैं आपको एक मेथड बताऊंगी एंड में. अब आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है पल्लू, जो आपकी साड़ी का लुक क्रिएट करती है, वो तो सॉर्ट कर दी. अब सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज जो साड़ी का पूरा एग्जिस्टेंस है और ऑल्सो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है प्लीट्स. उसे कैसे सॉल्व करें, तो अब मैं आपको बताती हूँ वो हम कैसे सॉल्व करेंगे. आपने जब पल्लू पीछे से घुमा के ऊपर ले लिया है, लेफ्ट साइड पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल बाकी रह गया है. अगर आपके पास एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन्स हैं तो लेफ्ट साइड से वो मटेरियल ला के थोड़ा राइट की तरफ, नॉट ऑन द कॉर्नर बट बीच में, थोड़ा डायगनली टूवर्ड्स द राइट,
आप उसको पिन लगा लें वहां पे। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सिर्फ उसे बीच में ले आकर हल्का सा लेफ्ट साइड से टक कर दें और जो बाकी का मटेरियल है उससे अब हम प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। कोई कोई कहते हैं पिंकी फिंगर और थंब और पॉइंटिंग फिंगर यूज करो, मैं जो हूँ वो अपना पॉइंटिंग फिंगर और थंब यूज करती हूँ। जो भी आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से अपने प्लीट्स बनाएं। द मेन थिंग विद प्लीट्स इज डिपेंड करता है आपकी साड़ी कितनी फ्लोई है। जैसे सिल्क की साड़ी है, मैं जितने प्लीट्स बनाऊंगी वो उतने आराम से बन जाएंगे, बड़े अच्छे से सिल्क की साड़ी सेट आती है। अगर आपकी नेट की साड़ी है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है फ्लो बनाना, तो उसको मैं ज़्यादा प्लीट्स बनाती हूँ ताकि एटलीस्ट थोड़ा तो फ्लो उसमें आना शुरू हो। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगी थोड़े बड़े प्लीट्स बनाएं या मीडियम साइज के प्लीट्स बनाएं, छोटे छोटे ना बनाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैं उसे फोल्ड कर रही हूँ। अब यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना जब आप प्लीट्स बना रहे हो। टेंशन मत लेना बनाते टाइम कि उसकी लेंथ क्या है, वो हम बाद में एडजस्ट करेंगे। एंड द सेकंड थिंग टू कीप इन माइंड इज आप प्लीट्स को इक्वल रखने की कोशिश करना एक्सेप्ट फॉर द वेरी फर्स्ट प्लीट। पहला प्लीट थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि वो फोल्ड होगा ऊपर की तरफ, तो अगर वो छोटा रह जाएगा तो वो पीछे को दिखेगा। तो आप जो सबसे पहला प्लीट है वो थोड़ा बड़ा बनाएं, बाकी के प्लीट्स छोटे छोटे लेकिन इक्वल साइज के बनाना। उसके बाद जब आपके प्लीट्स हाथ में बन जाएं उन्हें अच्छे से पकड़ लेना, जाने नहीं देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोड़ना मत उन्हें। अब हाथ में पकड़े हुए आप उनकी हाइट चेक करें। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लीट्स ऊपर नीचे होते हैं, आपको अपना मटेरियल दिखता है साड़ी का, इनसाइड की लेस दिखने लगती है, उसे आप बहुत आसानी से ऊपर से ही एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम वो राजस्थान में वो गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं खेलते, उसी तरीके से आपको अपनी उंगलियों का कमाल दिखा के अपने प्लीट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। आप चेक कर लें कि आपका नंबर वन या सेकेंड या थर्ड प्लीट है, कौन सा प्लीट है, उसका नंबर चेक करके जो ऊपर नीचे को है उसे ऊपर से खींच लें या ऊपर से थोड़ा और नीचे को कर लें। अपने हाथ से खींचते हुए प्लीट को नीचे तक लेके जाएं, लेकिन ऊपर से प्लीट्स मत छोड़ना प्लीज, वरना आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। अब ये अगर आपका हो गया है तो आप उसको अपने हिसाब से कितना लंबा आप उसको रखना चाहते हैं उस हिसाब से बाकी का मटेरियल अंदर टक कर दें। इसमें मैंने इसलिए आपको सेफ्टी पिन के बारे में अब तक नहीं बताया क्योंकि मैं वो आपको बाद में बताऊंगी एंड में इस वीडियो के। ये पूरी साड़ी आप दो सेफ्टी पिन के साथ बना सकते हो और आपकी साड़ी नहीं खुलेगी, मैं आपको इतना बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। प्लीट्स लगाने के बाद उसमें अंदर टक करने के बाद आपकी 98% साड़ी लग चुकी है। जो 2% बाकी है वो है थोड़ी क्लीन करना है उसका लुक हमें, तो ये ज़रूर इंश्योर करना जो भी आपका एक्स्ट्रा मटेरियल है राइट साइड पे वो तो आपके पल्लू से छुप जाएगा, तो उसे आप अंदर टक कर दें। लेफ्ट साइड को नीटली आप अंदर टक करना चाहते हैं तो टक कर दें, नहीं करना चाहते तो जैसे आपने किया हुआ है वैसे ही रहने दें और थोड़ा सा टाइट रखें। यहाँ पे मैं आपको ओपन पल्लू की साड़ी दिखा रही हूँ, जो आप अच्छे से अपना पल्लू खोल के यहाँ सेट कर लें और साड़ी को अपने हाथ में पकड़ लें। ये आपका सबसे सिंपल बेसिक स्टाइल है, लेकिन अगर उसको आप मॉडर्न टच देना चाहते हैं तो मैं अपने आइडियाज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो साइड में काफ़ी ऊपर को लिया जाता है उसे आप अंदर को टक कर दें, तो उससे आप थोड़ा सा ऐसे एक मॉडर्न टच दे सकते हैं, लेकिन पीछे से पल्लू जोर से ना खींचें। जो यूजली किया जाता है पल्लू को टाइटली लेके यहाँ पर पिन लगाई जाती है, आप पल्लू को टाइटली ना खींचें और थोड़ा उसे लूज रहने दें, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न लुक देगा और काफ़ी कंफर्टेबल हो अगर आप तो आप उसे कैरी भी कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली वो ही किया है। बातों बातों में रियलाइज हुआ आपको कि आपने साड़ी पहन भी ली है अब और उसमें अब तक एक पिन भी नहीं लगाया, विच इज़ वेरी फाइन, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। लेकिन मैं आपको ऐसे दो स्पेसिफिक प्लेसेस बताऊंगी अब जहां पर अगर आप सेफ्टी पिन लगा लेंगे तो आपकी साड़ी नहीं खुलेगी। सबसे पहले याद है आपने जो प्लीट्स बनाए थे उन्हें अंदर डालने से पहले आप उन पे अगर प्लीट्स पे सेफ्टी पिन लगा दें तो वो टिके भी रहेंगे और फिर उन्हें अंदर टक करें तो वो खुलेंगे भी नहीं और बाहर को भी नहीं आएंगे। ये आपका नंबर वन सेफ्टी पिन। सेकेंड, आप अपने पल्लू पे अगर सेफ्टी पिन लगाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द सेफ्टी पिन हियर, माय सजेशन वुड बी आप उसे थोड़ा सा खींचकर यहाँ पर जो आपका ब्लाउज है उसके साथ एंड पे यहाँ पर पल्लू पे सेफ्टी पिन लगाएं, तो आपका पल्लू बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और बहुत अच्छे से रहेगा। ये मैं करती हूँ, मैं हमेशा पीछे सेफ्टी पिन लगाती हूँ अपने ब्लाउज के साथ इंस्टेड ऑफ ऑन द शोल्डर। दैट्स जस्ट अ पर्सनल चॉइस एंड दैट्स इट।
हो गई आपकी साड़ी की ट्यूटोरियल कंप्लीट और पहन ली आपने साड़ी, अब जाइए और एंजॉय करिए। मैंने यहाँ पर इस वीडियो में अपनी सारी की सारी साड़ीज का कलेक्शन आपके साथ शेयर किया है। डू लेट मी नो आज की वीडियो आपको कैसी लगी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लाइक करना मत भूलना अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई फीडबैक हो तो वो भी कॉमेंट्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसे जरूर रीड करके रिप्लाई करूंगी। डोंट फॉरगेट टू लिव लाफ, वेयर ब्यूटिफुल साड़ीज एंड ईट अ लॉट ऑफ पोटेटोज। आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे।